की सब्जी और पूड़िया, इसमें कड़ी और चावल और छोले मिसिंग है, तो कल मैं जब आऊँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो आज सावन का दूसरा सोमवार है, तो मैं जा रही हूँ शिवबली मंदिर। मैंने शिवबली मंदिर आपको पीछे से ही दिखा रखा है, भंडारा जब मैं खाने के लिए जाती हूँ। आज मैं आपको फाइनली सिद्ध बाबा के दर्शन कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए चलते हैं मंदिर। तो देख सकते हैं मैंने घर में पूजा कर लिया है, जो मैंने घर में शिवलिंग बना रखा है, तो ये मैंने खुद बनाया था घर में, और ये मैंने सीमेंटेड का बनाया था, तो ये जय भोलेनाथ। तो यहाँ पे मैं पूजा कर चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ मंदिर, जो कि देखिए सामने दिख रहा है शिवबली मंदिर, जूम करके दिखाती हूँ। तो मैं आपको पूरा आज सिद्ध बाबा के दर्शन कराऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं मंदिर। तो ये है शिवबली मंदिर का पुल, जहाँ पे मैं पहले सुबह रनिंग करने के लिए आती थी तो एक्सरसाइज करती थी। यहीं पे है ऊपर सिद्ध बाबा विराजमान खूबसूरत वादियों में, और जिन्होंने भी शिवबली मंदिर मतलब आ रखे होंगे तो देखा होगा कितना प्यारा मंदिर है, और यहाँ पे भंडारा भी होता है। खैर आज तो मैं भंडारा खा नहीं सकती हूँ, पर कल जरूर खाने आऊंगी, क्योंकि कल मेरा बर्थडे भी है, तो कल मंगलवार को आऊंगी मैं भंडारा खाने के लिए, आज मेरा फास्ट है। तो अंदर दिखाऊंगी आपको सिद्ध बाबा की प्रतिमा कितनी प्यारी है, देख सकते हैं यहाँ का व्यू कितना प्यारा लग रहा है। कृपया मंदिर परिसर में जूते एवं चप्पल में प्रवेश ना करें, और यहाँ से ऊपर। तो ये है शिवबली मंदिर में एंटर कर चुके हैं, और यहाँ पे लग रहा है लिफ्ट, मतलब जिनसे चला नहीं जाता उनके लिए ये लिफ्ट, तो अभी लगना शुरू हो रहा है, और यहाँ से दिखता है पूरा कोट द्वार। अंदर के भी लेना, अंदर के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आपने सिद्ध बाबा के दर्शन कर लिए होंगे, और ये शिवबली मंदिर का पार्क है नीचे, और नीचे आप शिव जी भगवान का मंदिर, तो वहां पे हम जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको नीचे के भी दर्शन कराती हूँ। यहाँ निकलते हैं कमल, देखिए यहाँ पे खिल रखे हैं कमल के फूल। तो ये है हमारा शिवजी भगवान का मंदिर। देख सकते हैं कितना प्यारा सज रखा है। अरे
यहाँ पर शिवजी भगवान का मंदिर है और आगे है शनि भगवान का मंदिर, ये सामने वाला देख सकते हैं, तो वहाँ जा रहे हैं हम। हेलो गाइस, मैं और ये है खो नदी। और यहाँ से मतलब ऊपर की तरफ है, यहाँ से दिख नहीं रहे, पुराने सिद्ध बाबा का मंदिर ऊपर है, ठीक है। और ये है खो नदी। तो हम दर्शन करके आ चुके हैं भगवान जी के, तो मेरी बहन जा रही है भंडारा खाने के लिए। मैं तो खा ही नहीं सकती आज, कल खाऊंगी ना, पर मैं मेरा फेवरेट है, मैं इसके लिए होटल बड़े बड़े होटलों का खाना छोड़ सकती हूँ मैं अपने सिद्धबली मंदिर के भंडारे के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ का भंडारा। तो कल आऊँगी तब दिखाऊंगी, पर आज भी दिखाऊंगी, मेरी बहन लेके आएगी ना भंडारा अपने लिए। तो आज कम भीड़ है क्योंकि आज सोमवार है, कल मंगलवार है, तो कल ज़्यादा भीड़ रहेगी यहाँ पे। मंगलवार, शनिवार और संडे को 3 दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और 2027 तक यहाँ भंडारे की बुकिंग मतलब हो रखी है, एक भी दिन खाली नहीं रहता जब कि मतलब भंडारा ना हो। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार हर दिन भंडारा होता है यहाँ पर। तो यहाँ बनता है भंडारा और ये है भंडारे कद्दू की सब्जी और उधर आलू की सब्जी है और ये हलवा। तो ये देख सकते हैं भंडारा, इसमें है आपके आलू की सब्जी, हलवा, कद्दू की सब्जी और पूड़िया। इसमें कढ़ी और चावल और छोले मिसिंग है, तो कल मैं जब आऊंगी ना तब बनेगी कढ़ी चावल, तब दिखाऊंगी मैं आपको। ये फुल फैसिलिटी मिलती है और वहाँ धुल रहे प्लेट देख सकते हैं। तो मैं आपको पीछे के रास्ते ले जाके आपको कमल दिखाती हूँ, यहाँ पे लगता है कमल, और बहुत पहले से जब से मतलब मंदिर बना हुआ है ना तब से, और बहुत ही प्यारे लगते हैं, यहाँ सांप भी रहते हैं पता, ये देखो, देख रहे हो कितने प्यारे से लग रहे हैं कमल। और यहाँ का पार्क है और ऊपर मंदिर। तो ये है सामने दुर्गा माता का मंदिर जो कि सिद्धबली मंदिर में ही है, तो वहाँ मैं आपको किसी और दिन ले जाऊँ। तो यहाँ पे हम भगवान जी के दर्शन करके आ चुके हैं और हम जा रहे घर। तो ये सामने देख सकते हैं नदी, देखने में सुंदर लग रही है और दूर से देखो तो ही अच्छा, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे हो रखा था एक कार एक्सीडेंट, जो कि ओ हमारे घर के सामने, मेरा घर यहाँ से दिखता है तो पास में ही है, वहाँ जाके मिला था। तो बरसात के टाइम में आप नदियों में ना जाए, पहाड़ों में ज़्यादा घूमने ना जाए, क्योंकि भूस्खलन हो रहा है और बहुत सारी आपदाएं हो रही है। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें भर भर के, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना पाती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।